ओके नाउ हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 का, और जो सेकंड टॉपिक है उसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर वो हमें करना है कवर। तो उसके पहले मैं दो टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। पहली टर्म है पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? जहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की साइन सेम होती है, आर ऑफ सेम साइन, लाइक 3/2 सेम साइन है, -1/-2 सेम साइन है, -5/3 डिफरेंट साइन है। साइन डिफरेंट हो गई मतलब ये वाला जो नंबर है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की साइन डिफरेंट होती है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। नाउ अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमें पढ़ना था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके अब हम एग्जांपल लेते हैं एक और इसको सीखते हैं कि हमें कैसे करना है। पहली स्टेप जो है एक एग्जांपल है 25/20, ये रेशनल नंबर दिया हुआ है पी बाई क्यू के फॉर्म में और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं है तो ये रेशनल नंबर है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 25/20 को अगर सिंप्लीफाई करते हैं ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं तो ये हो जाएगा 5/4। अब ये सिंप्लीफाइड हो गया है तो आपको इसको सिर्फ डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं अपन लोग 4/5 है ना। तो ये डिवाइड करने के बाद आएगा, पॉइंट लगाया 0, 2 ज़ा 5/4 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो 1.25 होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 7/8। 7/8 को आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो हमें सिर्फ डिवाइड करने की मेहनत करनी है। 8/7 पॉइंट लगाया 0। ओके 8 ज़ा 64, यहाँ पे 6 बचा, तो ये 7 ज़ा में 56 आएगा, यहाँ पे 45 ज़ा। तो जो 7/8 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो है 0.875। ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन है -17/8, इस वाले को करना है, सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी, सिर्फ डिवाइड करना है। 8/17, माइनस साइन को आप ऐसे ही रहने दीजिए, वो आंसर में सिर्फ इंक्लूड होगा, बाकी के डिवाइड कीजिए। 2 ज़ा 16, 1 पॉइंट लगाया 0, 1 ज़ा 8, 20 अगेन 2 ज़ा 16, 4 5 ज़ा। तो ये हो गया -2.125। -17/8 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है -2.125। नाउ हम कुछ दो टर्म्स पढ़ेंगे जो है, पहली टर्म है फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्म है। मैं फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल ये क्या होता है, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था 25/20 और जब हमने इसको कन्वर्ट किया था डेसिमल फॉर्म में तो हमारा आंसर आया था 1.25। ये कुछ डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो गया था। एक और हमने किया था -17/8 जो कि हुआ था -2.125, ये भी टर्मिनेट हो गया था। मतलब फ्रैक्शन पॉइंट के बाद के डिजिट्स टर्मिनेट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, उसको बोलते हैं फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है 8/3, इसको हमें करना है डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट।
डिवाइड करते हैं सिंपली टू जा, है ना, ये आएगा 0 6 बार में 18, 2 अगेन, यहाँ 0 आया 6 बार में 18, 0 6 बार में 18, 0 6 बार में 18, 0। ओके, अब आप देख रहे हैं कि जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ ये ख़त्म नहीं हो रहा है, फिनिश नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसी टाइप के नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीटिंग रिपीट हो रहा है डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये वाला है। और इसी का एक और नाम है रिकरिंग डेसिमल, चीज़ें बार बार रीऑकर हो रही है इसलिए रिकरिंग डेसिमल। नाउ हम कुछ और क्वेश्चंस इस वाले पैटर्न पे सॉल्व करते हैं जहाँ पे चीज़ें रिपीट होगी। क्वेश्चंस है, वन बाई सेवन पॉइंट लगाया 0 7 आता है 1 बार में, यहाँ पे आएगा 3 30 4 28 20, 2 14 8 56, 5 35, 7 49, 1 30। ओके, इसके बाद मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, 30 था तो ये आएगा अपना 4 बार में 28 बचा, 2 बचा, डेसिमल से 0 लिया हमने, फिर यहाँ पे हमने 2 बार में किया 14, यहाँ पे आया 60, हमने 8 बार में किया 56, फिर आया 40, हमने 5 बार में करा 35, यहाँ आया 5 0 49 और ये 1। तो आप देख रहे होंगे ये 0.142857 है ना, उसके बाद फिर से पॉइंट ये 1 4 2 8 5 7 आ रहा है। जो चीज़ें रिपीट हो रही है हम उसके ऊपर लगा देते हैं बार, और जो ये नंबर है यही हमने अभी पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट पेपर पे है, डेट्स इट इन दिस लेक्चर।